स्थिति के बाद में इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। देखिए दोस्तों, हम लोग राजस्थान के विषय में चर्चा कर रहे हैं और अभी जो हमारी जो चर्चा होने वाली है वो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। आप देखिए, आप लोगों ने यहां पे देखा, देखो बड़े सिंपल से तरीके से समझो, हमने क्या देखा, हमने बड़ी सिंपल सी चर्चा की। क्या चर्चा की? चर्चा हमने ये की कि भाई हमारा जो राजस्थान है वो देखने में कैसा लगता है। तो भाई राजस्थान तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान दिखाई देता है, जैसे पतंग हो उसके जैसा भी दिखाई देता है। फिर हमने कहा कि भाई विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसके जैसा हमारा राजस्थान दिखाई देता है, तो हमने कहा वो देश है फ्रांस। फिर हमने आप लोगों से फिर प्रश्न किया, भाई हमारा जो राजस्थान है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है, तो हमारा आंसर क्या था, उत्तर में, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में। फिर हमने कहा कि हमारा राजस्थान ग्रीनविच रेखा के, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है या पश्चिम में है, तो हमारा आंसर क्या था, हमारा राजस्थान पूर्व में है। किधर है? पूर्व में। हमारा भारत भी किधर है? पूर्व में है। किसके? ग्रीनविच रेखा के। तो हमने फिर आप लोगों से एक प्रश्न और किया कि हमारे राजस्थान जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो भाई हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर ये था कि हमारा राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है बोलो? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन स्थित है? राजस्थान स्थित है। दूसरा मैंने आप लोगों से एक प्रश्न और किया था कि भाई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, कौन सी रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं उसको, कर्क रेखा। प्रश्न यही था कि क्या कर्क रेखा भारत से गुजरती है? बिल्कुल गुजरती है साहब। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। बिल्कुल मध्य से गुजरती है, मतलब कर्क रेखा के उत्तर वाला जो भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में शामिल होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी प्राप्त करता है, और जो कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग है वो उष्ण कटिबंध में शामिल होता है, क्योंकि वो सूर्य की किरणें क्या प्राप्त करता है, सीधी प्राप्त करता है। तो प्रश्न ये एक और मैंने आप लोगों से किया था कि भाई हमारे राजस्थान से भी क्या कर्क रेखा गुजरती है? तो आप लोगों ने क्या जवाब दिया, बिल्कुल गुजरती है साहब। कहां से गुजरती है? तो आप देखिए, आपका जवाब क्या था, बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो फिर मैंने आप लोगों से एक प्रश्न किया कि भाई कर्क रेखा जो है वो डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, अर्थात कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, तो राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है। अब भाई उत्तर में राजस्थान का भाग है तो राजस्थान को कौन से कटिबंध में शामिल करोगे? तो राजस्थान को आप शामिल करोगे उपोषण कटिबंध में। कौन से कटिबंध में? उपोषण कटिबंध में। यहां हालांकि यहां की जलवायु में आप लोगों को शुष्क उष्णता देखने को मिल सकती है, यह भी एक विशेष बात है। दूसरा प्रश्न हमने ये कहा कि सूर्य की किरणें सीधी तो कहां गिरेंगी, बांसवाड़ा में, लेकिन राजस्थान में सबसे तिरछी कहां गिरेंगी, गंगानगर में। कहां गिरेंगी? गंगानगर में। लेकिन दोस्तों यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रख लेनी है, वो बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों से यहां से एक सीधी सी बात आप लोगों से कर रहा हूं, अगला गंगानगर ऑप्शन में नहीं देगा, और अगर गंगानगर ऑप्शन में नहीं देगा तो एक स्वाभाविक सी बात है वो यहां से चलेगा और इन जिलों से होता हुआ आगे बढ़ेगा और आप लोगों से पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन से जिले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती हैं। गंगानगर ऑप्शन में नहीं होगा, तो गंगानगर ऑप्शन में नहीं होगा तो अगला क्या कर रहा है, सीधी सी बात कर रहा है, हनुमानगढ़ का नाम ले लेगा, हनुमानगढ़ का नहीं लेगा तो चूरू का ले लेगा, मतलब हमारा काम कर देगा ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, तैयारी कंप्लीट करनी है, और कंप्लीट तैयारी किससे होगी, वो होती है राजस्थान के मैप से। तो राजस्थान का मैप आप लोगों के क्या होना चाहिए, बिल्कुल कंटेस्ट याद होना चाहिए, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। अब देखिए
उसके बाद में जो हमें चर्चा करनी है ना यहां पे, वो करनी है अक्षांश और देशांतर की। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं सिंपल सी सीधी सी बात आप लोगों से करने वाला हूं, वो बात मैं ये करने वाला हूं कि ये हमारे राजस्थान का सबसे दक्षिणी भाग है और ये हमारे राजस्थान का सबसे उत्तरी भाग है। ठीक है, अब प्रश्न भाई ये बनता है कि हमारे राजस्थान का अक्षांश विस्तार क्या है, बता सकते हो? देखिए हमारे राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है वो क्या है, वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या है बताओ, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, कौन स्थित है? हमारा राजस्थान स्थित है। मतलब ये है भाई इसका कि इतना जो अक्षांश रेखाएं जो हमारे राजस्थान से गुजर रही हैं, तो प्रश्न एक बनेगा यहां पे, राजस्थान का अक्षांश अंतर क्या है? तो बता सकते हो क्या है अक्षांश अंतर? देखिए सिंपल है, आपको क्या करना है, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को क्या कर देना है, घटा देना है। और अगर आप घटाओगे तो आपके पास अक्षांशीय अंतर क्या आएगा, 7 डिग्री 9 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो दोस्तों, 7 डिग्री 9 मिनट आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब देखो साहब, ये कर्क रेखा है, समझ रहे हो ना, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। अब प्रश्न ये है कि भाई ये जो कर्क रेखा है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, कौन सी रेखा है बताओगे आप मुझे? ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। अब आप लोगों के लिए यहां पे एक प्रश्न बन सकता है और वो प्रश्न ये बन सकता है कि राजस्थान का कौन सा भाग उष्णकटिबंध में शामिल होता है, मतलब कौन सा भाग? ये तो हमें पता है कि भाई बांसवाड़ा जो है वो उष्णकटिबंध में शामिल होता है। तो आप लोग सिंपल बोलना, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वो किसमें शामिल होगा, वो शामिल होगा भाई उष्ण कटिबंध में। किसमें शामिल होगा? उष्ण कटिबंध में। और इसके आगे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, तो भाई ये किसमें शामिल होगा, ये हो जाएगा उपोष्ण कटिबंध में। बात समझ में आई, किसमें शामिल होगा, उपोष्ण कटिबंध में शामिल हो जाएगा। अगला एक प्रश्न यहां पे और बन रहा है, देखिए यहां पे अगर हम लोग दक्षिण में देखें, सबसे दक्षिण में जो आखिरी गांव है वो गांव है बोर कुंड गांव, कहां पे है ये, बांसवाड़ा में है। बोलो कहां पे है, बांसवाड़ा में। और उत्तर में आखिरी गांव कौन सा है बता सकते हो भाई? आखिरी गांव है उत्तर में कोणा गांव, किसका है, गंगा नगर का। किसका है बोलो, कोणा गांव, कोणा गांव गंगानगर का है। ठीक है, ये आखिरी गांव है उत्तर में। ठीक है, दूसरा प्रश्न, प्रश्न बन रहा है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है, बता सकते हो? तो देखिए ये जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। कितनी है बोलो, 826 किलोमीटर है। बड़ा सिंपल सा है। दूसरा, अगर आपसे ये पूछा जाए पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी है लंबाई, तो भाई आप लोग कह देना 869 किलोमीटर है। कितनी है साहब,
869 किलोमीटर है। अगर 869 किलोमीटर है तो प्रश्न आप लोगों के लिए फिर बन रहा है कि उत्तर में आखिरी गांव कौन सा है, तो कहना सिलाना, सिलाना धौलपुर। ये जो सिलाना धौलपुर है ये पूर्व में आखिरी गांव है। किधर है बोलो? पूर्व में आखिरी गांव है सिलाना धौलपुर, ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि पश्चिम में आखिरी गांव कौन सा है। आप देखिए पश्चिम में अगर आप देखोगे तो पश्चिम में आखिरी गांव कौन सा है, तो आप लोग कहना भाई कटरा गांव किसका है, ये गांव है जैसलमेर का। किसका है बोलो? जैसलमेर का। तो पश्चिम में आखिरी गांव हो गया, इसका मतलब हमारे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है? बता सकते हो कि देशांतरीय विस्तार हमारे राजस्थान का क्या है, ठीक है। आप सिंपल समझ सकते हो कि देशांतर रेखाएं वो होती हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का कार्य करती हैं, जो कि एक अर्धवृत्त के रूप में होती हैं। विशेष बात यहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पे हमारा राजस्थान स्थित है। भाई आप लोगों के बात समझ में यहाँ पे आ गई होगी। बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात हमने की है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है बोलो? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। अरे भाई हमने यहाँ पे दोनों तरफ क्या लिखा है? पूर्व लिखा है। इधर भी पूर्व लिख दिया और उधर भी पूर्वी देशांतर रख दिया। ऐसा क्यों किया हमने, बता सकते हो? ऐसा हमने भाई इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो भारत है, हमारा जो राजस्थान है, वो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है। और वो पूर्व में है तो भाई पूरा ही पूर्व में होगा ना, आधा थोड़ी होगा। ये इधर वाला भी पूर्व में है और ये भी क्या है? पूर्व में है। तो इसलिए हमने इसके साथ क्या रख दिया? पूर्वी देशांतर। समझ गए? अब देखो एक प्रश्न बनेगा आप लोगों के लिए, भाई राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना है। अब देशांतरीय अंतर की अगर आप बात करोगे तो भाई एक सिंपल सी बात आप लोगों को यहां पर करनी होगी, और वो बात ये है अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 78 डिग्री 17 मिनट में से आपको घटाना होगा 69 डिग्री 30 मिनट को। अगर आप इसको घटाना चाहो तो आप देखोगे ये 17 मिनट हैं और ये क्या है? 30 मिनट हैं। तो 17 में से 30 हम नहीं घटा सकते, तो क्या करें फिर? चलिए कोई बात नहीं, पड़ोसी के पास जाते हैं। बताओ पड़ोसी से क्या मांगे? पड़ोसी से हमें आवश्यकता तो मिनट की है, लेकिन पड़ोसी के पास तो मिनट है ही नहीं, इसके पास तो क्या है? डिग्री है। क्या करें फिर? विकट समस्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, पड़ोसी से एक डिग्री ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक डिग्री ले लेते हैं। क्योंकि अगर हम पड़ोसी से एक डिग्री ले लेंगे ना, क्या ले लेंगे बोलो? एक डिग्री हम पड़ोसी से लेंगे तो हमें मिनट में उसकी बना लेंगे तो कितनी बन जाएंगी? 60। अरे भाई सिंपल समझो, यहां पड़ोसी से हमने एक डिग्री ले ली और एक डिग्री में मिनट कितनी होती है? 60 होती है। तो हमें तो मिनट ही तो चाहिए। हम लोग 60 में कितनी मिनट जोड़ दें? 17। तो हमारे पास कितनी मिनट आएंगी? 77। अब 77 में से अगर हम लोग 30 घटा दें तो कितना बचेगा? अरे भाई हमारे पास आ जाएगी 47 मिनट। यहां कितना बचा? 77 में से 69 घटाए तो कितना बचा? 8 डिग्री। समझ में आई बात? तो देशांतरीय अंतर कितना होगा? 8 डिग्री 47 मिनट। कितना होगा बोलो? 8 डिग्री 47 मिनट होगा। तो ये चीज भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है क्योंकि यहां से भी सीधे से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना आया? 7 डिग्री 9 मिनट। और देशांतरीय अंतर कितना आ गया? 8 डिग्री 47 मिनट।
अब एक बात हमारे पास और प्रश्न यहां पे बनने वाले हैं, वो देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए बन सकते हैं। यहां पे एक सीधा सा सिंपल सा प्रश्न यहां पे अब आप लोगों के लिए बन रहा है, वो ये बन रहा है कि भाई राजस्थान में सूर्य सबसे पहले उदय कहां होता है। तो भाई सूर्य तो राजस्थान में सबसे पहले कहां उदय होगा, सिलाना धौलपुर में होगा, और सबसे बाद में कहां होगा, कटरा जैसलमेर में होगा। तो फिर उदय होने में समय अंतर क्या रहेगा, मतलब कितने समय बाद यहां उदय होगा, प्रश्न तो बन रहा है, अच्छा प्रश्न है। अब आप देखो इस प्रश्न को करने के लिए हम लोग एक सिंपल सी बात यहां पे करते हैं, क्योंकि हमारे पास देशांतरीय अंतर तो आ गया है और देशांतरीय अंतर हमारे पास कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट है। एक बार आप फिर से मेरे साथ आ जाइए यहां पे ग्लोब पे, आप देखिए ये ग्लोब है, ठीक है, हमने कहा इसके बीचों बीच एक रेखा है 0 डिग्री, और इसी तरीके से इसके सहारे सहारे कुछ पृथ्वी के ऊपर हमने देशांतर खींचे हैं और इनकी टोटल संख्या कितनी है, 360 है, कितनी है 360, भाई देशांतर की टोटल संख्या कितनी हो गई, 360 हो गई। दूसरी बात यह है कि हमारी जो पृथ्वी है वो दो तरीके की गतियां करती है, कितनी गतियां करती है, वो दो तरीके की गतियां करती है, और वो कौन कौन सी करती है, एक तो होती है भाई घूर्णन गति, एक होती है परिक्रमण गति, ठीक है, सिंपल है। अब ये जो घूर्णन गति है ना, घूर्णन गति आप यूं समझो, जैसे ये मार्कर है मेरे पास, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमती है और घूमते हुए वो 360 जो देशांतर हैं उनको सूर्य के सामने लेकर के वो आती है, और 360 देशांतर को जब वो क्रॉस करती है सूर्य के सामने, तो आप देखिए ये जो घूर्णन गति होती है इस गति से दिन और रात बनते हैं, क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। तो भाई दिन और रात बनते हैं तो इसलिए जो है इसको दैनिक गति भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दैनिक गति भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, दैनिक गति भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे दिन और रात बन रही है, सिंपल सी बात है। दूसरा प्रश्न, ये जो पृथ्वी अपनी जो घूर्णन गति पूर्ण करती है तो ये लगभग हम लोग कह सकते हैं 24 घंटे इसको लगते हैं, तो पृथ्वी को सूर्य के सामने 360 देशांतर क्रॉस करने में समय कितना लग रहा है, 24 मिनट, कितना समय लग रहा है, 24 मिनट। अगर 24 मिनट लग रही हैं तो भाई 24 घंटे में तो 360 घूम रही है, तो फिर एक घंटे में कितना घूमेगी, सिंपल है, 6 चौक 24 और 6 छक 36, मतलब सिंपल है 60/4 कितना आएगा, 15 डिग्री, समझ रहे हो आप मेरी बात। पृथ्वी को 360 देशांतर घूमने में समय कितना लग रहा है, 24 घंटे, एक घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है कि एक देशांतर को पार करने में सूर्य के सामने पृथ्वी को क्या समय लगेगा, सिंपल है, अगर 360 पार करने में 24 घंटे लग रहे हैं और एक घंटे में 15 देशांतर पार करने में एक घंटा लग रहा है
तो भाई एक देशांतर को पार करने में मिनट लगेंगी चार। कितनी लगेंगी? चार। समझ में आ गई ना बात? सिंपल है, कितनी मिनट लगेंगी? चार।